हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज पार्ट टू, यानी प्रतिशत पार्ट टू। अगर आप यूपी टेट, सी टेट, अदर टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परसेंटेज का चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से दो या तीन क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में पुटअप होता है। जिनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पुअर हो या वीक है वो टेंशन ना लें, और जिनका अच्छा लेवल है वो इन क्वेश्चन को देखें कि कैसे कॉन्सेप्ट सिलेबस के अनुसार आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि समय समय पर मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ है कि x 25% ज़्यादा है y से, तो y x से कितना परसेंट कम है? 25%, 60%, 70% या 20%। अभी तक ऐसे क्वेश्चन चार पांच बार पूछे जा चुके हैं, बस वैल्यू बदल जाती है। वैल्यू से हमें क्या मतलब, बस कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। प्रतिशत का मतलब होता है 100 पे कोई चीज़ ले लेते हैं, यानी 100 पे किसी चीज़ को हम मान लेते हैं। तो आपको पता है कि x 25% अधिक है तो y क्या हो जाएगी, 25% कम हो जाएगी। यहाँ पे हमने x लिखा और यहाँ पे हमने y लिखा। अगर हमारा y 25% अधिक है तो x हमारा 25% ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, यानी 25% ज़्यादा जाएगा। अगर y की वैल्यू 100 है तो x की कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। इसको हमने 25 से काटा 5 बार में, इसको हमने काटा 4 बार में, कट गया। अब इसका डिफरेंस जो आया, एक आया है, इसको हमने ऊपर लिखा है, और x यानी x की जो वैल्यू होती है हमेशा उसे नीचे लिखा जाता है, इंटू 100। जब हम 100 को 5 से काटे हैं तो 20 बार में गया, यानी 20% हमारा इसका आंसर जो निकल के आएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात करो कि श्याम की आय राम से कितने परसेंट कम है। ऑप्शन दिया है 75%, 70%, 25% और 16 सही 2/3%। तो यहाँ पर बोला है कि 20% अधिक है, तो यहाँ पर भी हम पहले वाला ही कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। पूछा है राम से कितना परसेंट कम है, यानी श्याम से। अगर राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो श्याम की 100 पर हम कर लिए, यानी कि उसका 100 ऑटोमेटिक हमने मान लिया। जब राम की हमारा 100 है तो श्याम का 20% अधिक बोल रहा है, तो 120 हो जाएगा, क्योंकि ये 20% अधिक है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस 20 है, जिसको हमने ऊपर लिखा है, और बटे में 120, यानी राम की जो वैल्यू हमने 120 लिखी है, इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 16 सही 2/3 निकल के आएगा, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात करो कि श्याम की आय राम से कितने परसेंट कम है। ऑप्शन दिया है 75%, 70%, 25% और 16 सही 2/3%। तो यहाँ पर बोला है कि 20% अधिक है, तो यहाँ पर भी पहले वाला ही कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे। पूछा है राम से कितना परसेंट कम है, यानी श्याम से। अगर राम की आयु श्याम से 20% अधिक है तो श्याम की कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, यानी श्याम की 100 है तो राम की 120 हो गई। श्याम की 100 है तो राम की 120 हो जाएगी, क्योंकि 20% अधिक है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस 20 है, तो 20 जो हमारा होगा ऊपर हो जाएगा, और राम की जो 120 है वो नीचे आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 16 सही 2/3 निकल के आएगा, जो कि इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेकंड है हमारा क्वेश्चन के साथ कि किसी व्यक्ति का अंकित मूल 25% अधिक है, उससे कितने परसेंट कम कर बेचा जाए कि लाभ हो न हानि हो। अगर आपसे एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ दे कि कॉन्सेप्ट दो में, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसको आपको याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वही है, चाहे वस्तु जोड़ दे, चाहे आय जोड़ दे या कुछ भी जोड़ दे, आपको बस कॉन्सेप्ट नहीं बदलना है, उसको याद रखना है। कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल 25% अधिक है। अगर 25% अधिक है तो किसी का कम भी तो होगा। आप खुद माइंड लगा के देखिए कि किसी का 25% अधिक है तो किसी का कम भी होगा। मैंने एक वैल्यू को 100 मान ली है, तो ये कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। एक वैल्यू को मैंने 100 मानी तो एक क्या हुआ, 125 हो गया। तो यहाँ पर पूछा है कि कितने परसेंट कम है, तो 125 नीचे आ जाएगा और दोनों के डिफरेंस को हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि 25/125 इंटू 100,
जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20% निकल के आएगा, जो कि इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कि एक वस्तु की आय 10% बढ़ा दी, फिर 20% पुनः बढ़ गई, तो इस प्रकार कुल आय में कितनी वृद्धि होगी। ऑप्शन भी दिया है 42%, 32%, 76% और 33%। ये क्या हुआ कि अब कॉन्सेप्ट थ्री लेते हैं जो कि कुछ अलग है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो कॉन्सेप्ट की बात की गई है, पहले भी बढ़ी और दोबारा भी बढ़ा। तो इसका फार्मूला होता है जो कि है प्रथम परसेंट प्लस द्वितीय परसेंट प्लस प्रथम इंटू द्वितीय बटे 100। तो प्रथम के जगह पे आप 10% लिखेंगे, द्वितीय के जगह पे आप भी 20% लिखेंगे। जैसे जैसे फार्मूला बोल रहा है आप वैसे वैसे लगाते चलेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो 32% निकल के आ रहा है वो हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, बाद में 10% घटी, इस प्रकार मजदूर में कितने परसेंट परिवर्तन हुआ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे पहले बढ़ा फिर घटा, और पहले वाला में था कि दोनों हमारा क्या था, बढ़ा हुआ था। यहाँ पे अब क्या होगा, माइनस प्लस में चेंजिंग आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व देखा जाए कैसे इसको किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन है, बढ़ी कितनी तो 20% और घटी कितनी तो 10%। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला को सेट करेंगे, सिर्फ वही फार्मूला होगा, बस देखते जाइए कैसे। पहला प्लस दूसरा, फिर प्लस पहले गुणे दूसरे, फिर बटे 100। जब इस पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले के जगह पे 20 हो जाएगा, दूसरे के जगह पे माइनस 10 हो जाएगा, और बीच में प्लस का चिन्ह, फिर माइनस, फिर 20 हमारा है, फिर इंटू, फिर दूसरे के जगह पे माइनस 10 बटे 100। जब इसको आप इधर करेंगे तो 20 का तो 20 हो जाएगा, लेकिन जब प्लस और माइनस के बीच गुणा होगा तो वो हमारा माइनस 10 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, और फिर जब हमारा ये जब आप गुणा करेंगे माइनस का तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस के जगह पे। तो 20 इंटू 10 और बटे में 100, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8% निकल के आएगा, जो कि इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार कुल व्यय में कितनी कमी हुई। फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले भी घटाया और दोबारा भी घटाया। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि मोहन जो है पहले क्या कह घटाया, फिर दोबारा भी उसने घटा दिया। अब यहाँ पे पहले भी घटा और दूसरे बार में भी घटा, अगर दोनों घटे हैं तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब बदल रहा है कैसे। तो हमने पहले ही माइनस माइनस लगा दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर्मूले में इन्हें माइनस लगा के सेट किया है, ठीक उसी पे हमने इसको भी सेट किया है। सेट करने के बाद जो हम सॉल्व करके निकला है 19 सही 1 बटे 4 का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, इस प्रकार उसे कुल कितना परसेंट लाभ हुआ। चार ऑप्शन भी दिया है। तो यानी सिंपल कॉन्सेप्ट ये भी है, एक लाभ एक देखेंगे कि क्या हो रहा है। अगर ठगने की बात आया तो भी प्लस, और बेचता है तो 5% ठगता है यानी तो भी प्लस। आप वीडियो को रोककर ट्राई करते रहिए, चार ऑप्शन दिया है, जो अच्छा लगे आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा कि इसमें कितना आ रहा है। अब कॉन्सेप्ट चार देखते हैं हम। किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल है ये, मैंने आपको पहले पार्ट में भी बता दिया था। एक्स यानी कोई संख्या दी नहीं है तो हम संख्या को एक्स मानेंगे। एक संख्या का 16% यानी कितने के बराबर है, 48 के बराबर है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपका 300 आएगा, जो कि इसका आंसर है। अब कॉन्सेप्ट पांचवा देखते हैं। किसी संख्या का 12% 72 है तो उस संख्या का 44% कितना होगा। ठीक वैसे ही फार्मूला पे मैंने इसको भी सेट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको दो बार पूछा है। देखिए कैसे, पहले तो हमने एक निकाल लिया सॉल्व करके, एक्स इंटू 12/100 में सॉल्व किए तो 72 आया है, यानी कि पहले जो निकाले हैं हम उसका 6 आया है। लेकिन फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस संख्या का यानी 6 से जो हमारी संख्या निकल के आई है
उसकी 44% फिर पूछ रहा है, तो उसको जब हम सॉल्व किए तो 264 आए, यानी कि यही इसका आंसर है। छठा कॉन्सेप्ट है कि किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए हैं, यदि फेल होने वाले छात्र 150 हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे, आपको बताना है, पास फेल में पूछ रखा है। ध्यान दीजिएगा, कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे। मैं बोली हूँ कि हर चीज़ 100 पे ली जाती है, यानी कि 100 पर। अगर 100 में 75 पास हुए हैं तो आप थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 25% तो फेल हुए होंगे। अब यहाँ पे दिया है यदि फेल होने वाले छात्र 150 हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से 25% है फेल की वैल्यू, तो मैंने 25 की वैल्यू 150 रख दी। जब 25 की वैल्यू 150 रख दी तो एक की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी, तो जब 25 की 150 है तो एक की कितनी होगी, 150/25, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि एक पे 6 आ रहा है तो 100 का पूछ रहा है तो हमारा 6 सा आएगा, ये इसका आंसर होगा। कॉन्सेप्ट 7 है हमारा कि कोई भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पे 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल्य भिन्न क्या होगा। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप अच्छे से इसको थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि x बटे वाई लिखते हैं, कभी भी भिन्न को हम x बटे वाई के रूप में लिखते हैं, जहाँ x हमारा अंश होता है और y हमारा हर हो जाता है। अगर अंश में 15% की वृद्धि बोल रहा है करने को तो 15 मिलता है, और हर में 8% की कमी करते हैं तो हमारा 16 हो जाता है। ये नहीं कहा है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि दोनों की कमी और वृद्धि की जाए तो 15/16 हमको मिलता है। अब ऊपर हमारा हो जाएगा 115 हो जाएगा और नीचे 32 हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ 100 पे जो है ली जाती है, इसे आप याद रखिएगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15/16 और इनटू, जब ये 115/92 जब इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3/4 होगा। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।